नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। आज से भारतीय क्रिकेट की एक नई युग की शुरुआत हो रही है, जब भारतीय टीम में एक नया कप्तान और भारतीय टीम की जो कमान है वो एक नए कोच के हाथ में रहेगी। आपको बता दें कि आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की जो T20 की श्रृंखला है वह शुरू हो रही है जयपुर में। आपको बता दें कि इस टीम की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं और टीम के नए कोच राहुल द्रविड़ भी मैदान पर रहेंगे। जब सभी की निगाहें इन दोनों मूर्तियों पर रहेगी कि क्या भारत की जो नया युग है क्रिकेट में वह आज से उदय होता है कि नहीं, क्योंकि आने वाले ICC के कैलेंडर वर्ष में भारत को 3 बड़े ICC टूर्नामेंट की मेजबानी करनी है। साथ ही साथ यह भी खबर है कि भारत के साथ ही साथ न्यूजीलैंड की टीम जो अभी फिलहाल में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की रनर अप रही है, वह भी भारत के साथ मैच खेलने के लिए उत्सुक रहेगी। मगर न्यूजीलैंड की टीम में कप्तान केन विलियमसन की मौजूदगी सबको खलने वाली है। देखिए रिपोर्ट। T20 विश्व कप में हार का कड़वा घूंट पीने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम रोहित शर्मा की कप्तानी और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ की निगरानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ आज से शुरू होने वाली 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज में नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करने जा रही है। द्रविड़ और रोहित की जोड़ी के पास अगले T20 विश्व कप से पहले सबसे छोटे प्रारूप में मजबूत टीम तैयार करने के लिए केवल 11 महीने का समय होगा। इस बीच उन्हें टीम में आवश्यक बदलाव और सुधार करने होंगे। UAE में T20 विश्व कप की निराशा के बाद भारत तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या से इतर देखने को मजबूर हुआ है। पांड्या चोटिल होने के कारण अपनी ऑलराउंड क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले वेंकटेश अय्यर को हार्दिक के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है और न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों में उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी। भारतीय धरती पर टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक कुल 6 मैचों में आमना सामना हुआ है। इन मैचों में भारत को 2 मुकाबले में जीत मिली है, जबकि कीवी टीम के नाम 3 जीत रहे हैं। दोनों देशों के बीच एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ था। दोनों ने अब तक 18 T20 मैच खेले हैं। 9 मैचों में न्यूजीलैंड जीता है, जबकि 6 मैच भारत ने जीते हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी की बात करें तो वह शानदार रहा है। रोहित शर्मा अब तक भारत के लिए 19 T20 मुकाबलों में कप्तानी कर चुके हैं। इनमें से 15 मुकाबलों में भारत को जीत मिली है, जबकि 4 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। इस दौरान टीम इंडिया की जीत का प्रतिशत 78.9 का रहा है। न्यूजीलैंड के टिम साउदी भी पहली बार कप्तानी करते नजर आएंगे। तो जयपुर में आज से न्यूजीलैंड और भारत के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला शुरू हो रही है। आपको बता दें अगला मैच रांची में खेला जाने वाला है। मगर भारत के क्रिकेट के लिए एक नए युग की शुरुआत है। कोच राहुल द्रविड़ के साथ ही साथ टीम के नए कप्तान रोहित शर्मा, 11 महीने से भी कम का वक्त बचा है जब वह नई टीम को बनाना चाहेंगे ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 के लिए। यह भी देखने वाली बात होगी कि हार्दिक पांड्या भी फॉर्म से जूझ रहे हैं। लगातार वह अपने दोनों बल्लेबाजी और गेंदबाजी का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनके विकल्प के तौर पर भारतीय टीम में कोलकाता नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर को टीम में जगह दी गई है। तो अभी से ही भारतीय टीम लग चुकी है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 के लिए। सिर्फ 11 महीने का समय बचा है और साथ ही साथ भारतीय टीम में एक नए कप्तान के साथ साथ एक नए कोच की जो उदय हुआ है उससे यह साफ है कि भारतीय टीम का जो भविष्य है वह उज्जवल नजर आ रहा है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फोनेशन। नमस्कार।